1990 कैंट विधानसभा बीजेपी का गढ़ भी कहा जाता है, लेकिन इस बार यहाँ मुकाबला रोचक होता दिख रहा है। दरअसल सपा ने काशी की पुत्री के नाम से जाने जाने वाली पूजा यादव को अपना उम्मीदवार बनाने की घोषणा की। पूजा यादव के उम्मीदवार बनाए जाने पर 2022 के विधानसभा चुनाव में अब इस सीट का समीकरण बदलता हुआ दिख रहा है। पूजा यादव जब रोजाना अपने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर रही है तो उन्हें जनता का अपार समर्थन भी मिल रहा है। इसी कड़ी में आज समाजवादी गठबंधन प्रत्याशी पूजा यादव ने कैंट विधानसभा के जंगमबाड़ी इलाके से अपने यात्रा की शुरुआत करते हुए गोदोलिया, दूध सट्टी, सुशील सिनेमा, अगस्त कुंडा, होटल सम्मान के जैसे इलाके में घर घर जाकर लोगों की समस्या सुनी और समाजवादी सरकार आने पर समस्याओं के निवारण का वादा किया। आज हमेशा की तरह मैं समाजवादी पार्टी की एक छोटी सी सिपाही हूँ और अपनी काशी की जनता के कहने पे मैं काशी की आवाज़ बनने की कोशिश कर रही हूँ, काशी के लिए लड़ाई कर रही हूँ। तो मेरी काशी, समस्त काशी की जनता से यही अपील है कि अपनी इस काशी पुत्री, अपनी इस बिटिया पे जैसे आप लोगों ने विश्वास जताया है और हमारे परम श्रद्धेय श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे कैंट विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा है काशी में, आप सभी मेरे ऊपर इसी तरह स्नेह आशीर्वाद बनाए रखें और मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। हर हर महादेव। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।